धार जिले के खलघाट में रविवार को महिलाओं की भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों महिलाओं ने खलघाट से नर्मदा जल लेकर 10 किलोमीटर पैदल चली। 5000 से अधिक की संख्या में महिलाओं ने कावड़ धाम नगर के हिरण्य गर्भेश्वर का अभिषेक किया। कावड़ यात्रा संयोजक वंदना राठौर ने बताया कि हमारी महिला मंडल आयोजन समिति के साथ 30 दिनों में यात्रा की तैयारी की। वही यात्रा का निमंत्रण हमने घर घर जाकर पीले चावल देकर दिया। इस धर्म जागरण की यात्रा के माध्यम से हम समाज में सामाजिक समरसता आए और समाज एक रस हो, ऐसा भाव बना रहे हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे व स्वस्थ रहे, ऐसी हम बाबा से विनती करते हैं। इस उद्देश्य से यह यात्रा हम प्रतिवर्ष निकालते हैं। धर्म जागरण श्री योगेश्वर महादेव कावड़ यात्रा का यह 11वां वर्ष था। घर घर जाकर महिलाओं ने पीले चावल डालकर यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। रविवार की सुबह से ही वाहनों में भर कर महिलाएं खलघाट पहुंची, जहां स्नान पूजन व आरती के बाद कावड़ उठाई। पैदल सफर करते हुए यात्रा का पहला पड़ाव निमरानी स्थित हनुमान मंदिर लाल माटी गौशाला आश्रम में भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। वहीं वेणुगोपाल जी धर्म जागरण प्रचारक छत्तीसगढ़ एवं सरस्वती दीदी के द्वारा उद्बोधन दिया गया। कुछ देर विश्राम के बाद यात्रा रवाना हुई। इस दौरान यात्रा का पुष्प वर्षा द्वारा जगह जगह पर स्वागत हुआ। वहीं फल एवं खिचड़ी प्रसादी का जगह जगह आयोजन किया गया। यात्रा में महिलाएं डीजे एवं निमाड़ी लोक गायक शिव गुप्ता के मधुर भजनों से झूम उठी। वहीं पुलिस प्रशासन ने यात्रा के दौरान यातायात के व्यवस्था को संभाला। शाम को 6:30 बजे यात्रा ने नगर में प्रवेश किया। हिरण्य गर्भेश्वर महादेव का मंदिर जल से महिलाओं ने अभिषेक कर महाआरती एवं प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान वंदना राठौड़, गायत्री दसौंदी, वैशाली चौधरी सहित महिला मंडल उपस्थित रही। संवाददाता सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। कावड़ यात्रा उद्देश्य ये रहता है कि देश में अमन शांति सुख समृद्धि रहे, देश में हर व्यक्ति सुखी रहे, साथ में ठिकरी पिपरी नगर की बहने भाई लोग सब सुखी रहे, इस उद्देश्य से कावड़ यात्रा निकलती है। यहाँ पर हजारों महिलाएं एकत्रित होती है, तकरीबन 5000 से ऊपर महिलाएं थी, इनको इकट्ठा करना कैसे करती हैं आप, ये सब कैसे होता है? प्रक्रिया 1.5 महीने से चालू रहती है। बहनों का संगठन है और सभी बहनें सहयोग करती है इसमें। 1.5 महीने से हम ये कावड़ यात्रा का मतलब घर घर जाके निमंत्रण देते हैं, जैसे शादी ब्याह होता है इस प्रकार से, और सभी बहनों को एकत्रित करके कावड़ यात्रा का आमंत्रण देते हैं। हजारों बहनें उसमें आती है, बहुएँ, बेटियाँ, बहनें, माताएँ और गाँव के सभी नागरिक बंधु आते हैं इसमें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।